We were going with, we have to simplify this equation. A complement, B complement. Plus A complement B. So Y is a function of two variable A and B. So we have written A over here, B over here. There is one variable on this side, so it will divide into two rows. There is one variable on this side, so it will divide into two rows. So B will be having value either 0 or 1. Now where it is 0, that means we can write A complement. We can write A complement over here in this way. And here it is 1, so value of A will be A only. Similarly, here value of B is 0, so we can write over here as B complement, and here it is B. Now, what it shows, ये क्या indicate करता है कि इधर पूरा A complement ही रहेगा, इधर पूरा A ही रहेगा, इस column में B complement रहेगा और इस column में B की value B ही रहेगी, ठीक है? अभी पहला जो है हमारे पास Y का जो term है, वो है A complement B complement. तो ये कहाँ पे आएगा? तो ये A complement है और ये B complement है. तो यहाँ पे one डाल देना है. इस term को हमें यहाँ पे insert करना है. दूसरा term क्या है हमारे पास? दूसरा term है हमारे पास A complement B. तो A complement B में यहाँ पे one आ जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोगों ने ऐसा किया, भाई बाकी क्या बच गया हमारे पास? इधर zero बच गए और इधर भी कुछ नहीं है तो zero रखना है. तो करना क्या है हमें, जो हमारे पास one है उसकी pairing करनी है. तो pairing जो होती, grouping करनी है, sorry. तो grouping जो होती है उसके K मैप के अंदर ग्रुपिंग जो होती है वो या तो आप पेयर की ग्रुपिंग कर सकते हो, पेयर मतलब पेयर वन या जीरो की कर सकते हो, या तो फोर इसका जिसको कि हम लोग क्वाड बोलते हैं, क्वाड वन की ग्रुपिंग कर सकते हो, या तो एट आइटम एट वन या जीरो को एक साथ में ले सकते हो. तो अभी फिलहाल हमारे पास दो वन है, हम लोग पेयर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दो वन है, इसका हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दिया. सपोज ये दोनों वन है, अभी इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे यहाँ से? सो वाई इज इक्वल टू, अगर मैं रो वाइज जाता हूँ पहले, तो रो वाइज में इस रो में ए कॉम्प्लीमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है. तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक है? अभी कॉलम वाइज जाता हूँ, तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है. अगर मैं इस कॉलम से इस कॉलम में जाता हूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट बी हो जाता है, मतलब बी की वैल्यू चेंज हो रही है. तो बी की वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी है. बट रो वाइज जाते हैं हम लोग, तो जो पेयर है हमारा उसमें ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है. तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे. बी की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि बी जो है हमारा वो चेंज हो जाता है. यहाँ पे क्या आएगा? Y is equal to A complement. तो इस equation का जो simplified version है, simplification जो है, वो क्या है? वो Y is equal to A complement. समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया क्या? वो पता नहीं क्या है, बट ये क्लियर का है. अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग.
ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, आई विल सेंड यू ऑन द आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल एंड आई विल सेंड यू दैट लिंक ऑन योर गूगल क्लासरूम. ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड द गूगल क्लासरूम. Have you joined the Google Class? Okay, fine. Take it. Now, I'll take one more equation. Just a second. I'll take one more equation. Y is equal to A complement B C plus A complement B C complement. So first of all we are going to solve this through algebraic method. पहले algebraic method से solve करते हैं हम लोग. कैसे solve करेंगे algebraic method से? So it is A complement is common, B is common. So we are going to do like A complement B. So यहाँ पे क्या बचेगा बताते जाओ. C और सेकंड टर्म में क्या बचेगा बताओ मेरे को. Anyone? C complement. It is bit slow, but okay. So it is A complement B. तो ये एल्जेब्रिक मेथड से ए कॉम्प्लीमेंट बी आ रहा है. क्या ए कॉम्प्लीमेंट बी आ रहा है? वाई. सिंप्लीफाई करके ठीक है हम लोग के मैप यूज करते हैं. के मैप मतलब क्या हो गया? कितने इक्वेशन है इसके अंदर? यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? थ्री वेरिएबल. वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी. ठीक है तो के मैप कैसे बनाएंगे हम लोग? इधर ए लिख देंगे, इधर बी सी लिख देंगे. ठीक है अभी यहाँ पे इस साइड में एक ही वेरिएबल है तो जो इसका पार्टीशन होगा इस साइड का वो दो पार्ट में डिवाइड होगा. मतलब इट विल बी हैविंग टू रोज. यस एंड हियर आर टू वेरिएबल्स. सो टू वेरिएबल्स मीन्स टू रेज टू पावर टू. दैट मीन्स पावर टू फोर. सो इस साइड के चार पार्टीशन होंगे, एक दो तीन. ठीक है तो अभी क्या होगा? ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो जीरो, ये जीरो वन, ये वन वन, ये वन जीरो. ठीक है अभी क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट ओवर हियर. यहां पे लिखना पड़ेगा दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए. यहां पे क्या आएगा? एनीबॉडी टेल मी what we have to write in place of 00? Exactly. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग B complement. एक दो एग्जाम्पल के बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा आप लोगों को. C complement यहाँ पे B complement
यहाँ पे बी सी यहाँ पे बी ठीक है। सो अभी करना क्या है, इस टर्म को, इन दोनों टर्म को इसमें इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी यहाँ पे वन डाल दिया। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वन डाल दिया। बाकी जगह पे क्या आएगा, जीरो 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 ठीक है। यहाँ पे इसका पेयर बना लेंगे हम लोग, ठीक है, दो ही वन है ना। तो अभी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू इस, ये वन यहाँ पे, ये दोनों में, यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। रो वाइज देख लिया, अभी कॉलम वाइज देखते हैं। ये यहाँ पे एक वन है, इस यहाँ पे और यहाँ पे भी वन है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग स्विच करते हैं, यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है बी है और सी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सी जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो रहा है, बट बी जो है वो बी जैसा ही है, बी चेंज नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज दैट, इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी। समझ आया क्या, अगर बी भी चेंज हो रहा होता तो बी को भी नहीं लिखते थे हम लोग यहाँ पे। तो एक ही ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और इनटू बी लिखा। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे वन होता और यहाँ पे वन होता तो हम लोग क्या करते थे, दूसरा ग्रुप लेते थे तो वो प्लस आता था, फिर प्लस करने के बाद फिर उसके ऊपर वर्क करते थे हम लोग। ऐसा जब तक सेम ग्रुप पे काम करते तब तक प्रोडक्ट में आता है सब कुछ। आर यू गेटिंग दिस, यस और नो? ओके, अभी एक पेयर का ग्रुपिंग हो गया, अभी हम लोग क्वाड का करते हैं, ठीक है। क्वाड का कैसे करेंगे, हाउ वी गोइंग टू डू दैट, सो वी विल टेक एन एग्जांपल। एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इसको मैं अलजेब्रिक से नहीं सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली हम लोग के मैप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट टेल मी इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन इन दिस वे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? अगर मैंने इक्वेशन ऐसा लिखा, वाई इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट B complement C complement D complement plus B A B complement C D and A B complement C D complement, ये समझ में आता है क्या आपको, ये चीज समझ में आती है? ये मतलब जो बार लिखते थे हम लोग, ऊपर में डैश लिखते थे, उसकी जगह पे मैंने साइड में वो किया हुआ है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, A B complement C complement D complement plus A B complement C complement D प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। समझा क्या, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टूड दिस इक्वेशन, जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बोलते हैं ना, वो जिसको ये है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, जय श्री राम जय महादेव समथिंग करके,
तो उनके कमेंट्स बढ़ते लाइक्स बढ़ते वैसे. आउट ऑफ 7 ओनली 5 कौन कौन सो रहा है? One, two, three, four, five, six. One more is there who is not responding. Chetan ने reply किया है क्या? Chetan ने किया हुआ है. अच्छा एक ने छोड़ दिया group. ठीक है फिर बराबर है. Why the strength is going so low? ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कितने वेरिएबल्स हैं? व्हाई इज द फंक्शन फोर वेरिएबल्स ए बी सी डी. तो इसका के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, बाद में हम लोग इक्वेशन डालते हैं उसको. सो डायरेक्टली मैं के मैप ड्रॉ करता हूँ. मैंने क्या किया, चार वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए सी डी. ठीक है अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इस रोज के कितने पार्टीशन होंगे, एक दो तीन चार पार्टीशन होंगे, एक दो तीन चार. एक दो तीन ठीक है. यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो वन, यहाँ पे वन वन, बोलते जाओ लास्ट में क्या आएगा वन जीरो. चेतन यहाँ पे कौन कौन सीडी की वैल्यू बोलो. जीरो जीरो सो गए क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट वन 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 जीरो. ओके गुड. अमित त्रिपाठी यहाँ पे जीरो जीरो का मतलब क्या हो गया, ए बी की क्या वैल्यू आएगी? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है यहाँ पे यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे सी डी बार. ठीक है अभी हमारा इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं और फिर उसको हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करते हैं. यहाँ पे क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, ए बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए बी कॉम्प्लीमेंट ये है,
और बाद में क्या है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट वन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म हमारा ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो दूसरा वन यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा टर्म क्या है हमारा, तीसरा टर्म जो है हमारा वो है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, लेट मी चेक अगेन, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, चौथा वन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जगह पे क्या आएंगे, जीरो 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 ऑल प्लेस विल ऑक्यूपाई जीरो। आफ्टर वन और टू लेक्चर्स यू विल गेट टू नो अबाउट डोंट केयर कंडीशन, बट एट प्रेजेंट आई एम राइटिंग जीरो ओनली, ठीक है। तो अब इसका इसमें क्या चार वन है, तो हम लोग क्या है एक वे ऐसा है हमारा कि मैं ये दो वन को ऐसे रख सकता हूं, ठीक है, और इस दो वन को मैं ऐसे रख सकता हूं। बट रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि जितने मैक्सिमम हो सके वन वो एक ग्रुप में डालना है हमें। मतलब कैसे क्या, अगर तीन वन होंगे तब नहीं हो सकता, बट दो वन है चार वन है आठ वन है, तो इस टाइप से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार वन है और चार वन साथ में ही है, तो उसकी ग्रुपिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये चारों वन की जो है एक ही ग्रुप में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक ग्रुप हो गया हमारा, दिस इज ग्रुप वन, यस। अभी इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू, तो अगर हम लोग इस पूरे रो में देखें, पूरे रो में देखें तो एक चीज कॉमन है, क्या है वो ए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है वो ए बी कॉम्प्लीमेंट है इस रो में, और इस रो में वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। वेयर एज इफ यू गो इन कॉलम वाइज नाउ, तो कॉलम वाइज में यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट डी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट से सी में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फिर डी डी कॉम्प्लीमेंट में हो रहा है, मतलब चारों में जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो चारों टर्म्स चेंज हो रहे हैं हमारे, चारों टर्म्स चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ का एक भी टर्म हमें नहीं लेना है सी डी का, लेकिन यहाँ पे रो वाइज जाते हैं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स वो जो है वो सेम रहने वाला है, तो चेंज नहीं होगा, तो y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड टर्म ऑफ विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस, हेलो, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने ट्राई करके मेरे को बताओ फिर, ठीक है।
कर सकते हो क्या? हेलो, ओके, वी विल डू वन थिंग, आई विल राइट टू इक्वेशन, अभी मत लिखो, मेरे को दूसरा इक्वेशन लिखने दो, मैं डिवाइड कर देता हूँ काम को, तो क्या हमारे दो दो जो है वो एक साथ में हो जाएंगे। लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स, ओके, अक्षय, अमित त्रिपाठी, अंकुश सोंजय एंड चेतन, ये चारों जो है आप लोग इक्वेशन नंबर वन करोगे सॉल्व, ये वाला, ठीक है, और बाद में जो ये है दिव्यांशु एंड करण उगले, आप दोनों इक्वेशन नंबर टू करोगे, चलेगा? हाँ, तो यू हैव 5 मिनट्स ऑफ टाइम, सॉल्व दिस, इतना जल्दी सॉल्व करोगे, टाइम क्या हो रहा है, तो मैं चेक करके फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टाइम एड ग्रुप का लेंगे, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये आपका के मैप, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ओके, डू दिस एंड लेट मी नो। Yes. हो गया क्या? उसका फोटो निकालो और मैं मेरा शेयर स्क्रीन बंद कर रहा हूं, आपका शेयर स्क्रीन चालू करो, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूं, रुको, मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग किया, अभी आपके इधर प्रेजेंट नाउ करके ऑप्शन आ रहा है क्या मोबाइल में या जहां पे भी? हाँ, तो वहां से प्रेजेंट करो तो आपका स्क्रीन पूरा दिखाई देगा हमको यहाँ पे। सही दिख रहा है, प्रेजेंटिंग करके आ रहा है अभी, प्रेजेंटिंग आ रहा है, बट आप प्रेजेंट कुछ कर ही नहीं रहे ना, मेरा वाला दिख रहा था कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो फिर दिखना चाहिए आपका भी, ऐसा लग रहा है मेरे को, प्रेजेंटिंग स्क्रीन कर रहे हो क्या? प्रेजेंट स्क्रीन करने के बाद मोबाइल से नहीं दिखेगा वो,
उसको जो आपने फोटो निकाल के फिर शो करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप स्टॉप प्रेजेंटिंग करो, एक सेकंड स्टॉप प्रेजेंटिंग करो, मैं मोबाइल से फिर से एक बार ऑपरेट करता हूँ, मोबाइल से दिखाता हूँ मैं आपको। स्टॉप प्रेजेंटिंग किया, लेफ्ट द मीटिंग हो गया आपका, मैं ज्वाइन किया, ठीक है। अभी एक सेकंड, मेरे को ऑप्शन दे, मैंने मोबाइल से लिख सकता हूं, ऑप्शन दे, मैंने मोबाइल से लिख सकता हूं, ऑप्शन दे, मैंने मोबाइल से लिख सकता हूं, ऑप्शन दे, मैंने मोबाइल से लिख सकता हूं। मैं प्रेजेंट करता हूं, एक सेकंड ना, अक्षय यू आर प्रेजेंटिंग राइट नाउ, अक्षय, अक्षय नहीं, मोबाइल पे, मोबाइल पे दिख, एक सेकंड, मोबाइल पे दिख रहा था मेरे को, 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 लेकिन इस पे नहीं दिख रहा है, लैपटॉप पे। फिर से दिखाओ एक बार, शो किया क्या? अभी जब आप शो, एक सेकंड है, ओके ओके, समझा मेरे को क्या दिक्कत है। मैं क्या किया था, उस पर क्लिक करना पड़ता है, आपके अक्षय गाउंड जो नाम है ना, उस पर क्लिक करना पड़ता है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा है। आंसर क्या आ रहा है आपको? सी कॉम्प्लीमेंट डी बराबर है, गुड। Who else have done? Okay. आप चीजें, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? हेलो, मैंने क्या किया हुआ है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लॉग इन फ्रॉम माय लैपटॉप आल्सो एज वेल एज फ्रॉम मोबाइल आल्सो, एंड ऑन माय मोबाइल फोन, लाइक आई केप्ट माय मोबाइल फोन आल्सो, व्हाटएवर व्हाटएवर आई एम टॉक, व्हाटएवर माय मोबाइल फोन आई एम टॉकिंग, नो दैट एवरीथिंग इज कमिंग रिटर्न। जो मैं मोबाइल फोन पे बोल रहा हूँ ना, वो सारा सारा मोबाइल की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं हेलो बोलता हूँ तो हेलो रिटर्न में आ रहा है, हाउ आर यू बोल रहा हूँ तो हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मतलब गूगल में, मोबाइल गूगल ऐप के थ्रू आप जाते हो ना गूगल मीट के, तो उसमें आपका जो वर्ड्स है वॉइस को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अंकुश हैज डन, गुड।
वही इक्वेशन किया है क्या? ठीक 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 दिव्यांशु एंड करण, हाँ बराबर है, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो अभी। दिव्यांशु एंड करण, एनीबॉडी डन? Till then I'll prepare attendance. मैं तो अटेंडेंस प्रिपेयर कर लेता हूँ आप लोगों का। हैव यू गॉट द रोल नंबर्स? Yes, sir. मिल गए रोल नंबर? Today is 2nd August, 3rd August, 3rd. This is the link of your attendance. ठीक है?
So Karan, are you going to present yourself? Karan? Yes, sir. Sheikh Isha is presenting right now. Karan, you are presenting? Okay, let me see. दोनों ही क्वेश्चन किए क्या? नीचे वाले का आंसर क्या नहीं दिख रहा है मेरे को? शेख ईशा, व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग? हु इज दिस? आपका स्टॉप करो शेख ईशा, स्टॉप योर प्रेजेंटिंग. हाँ अभी करण वापस से दिखाओ. करण प्रेजेंट करो अभी वापस से, आपका चला गया था. बी सी कॉम्प्लीमेंट करेक्ट है, समझ में आया क्या? फिर दिव्यांशु, हैव यू डन? ओके करण, दिव्यांशु. यस सर. अच्छा ऐसे दिखा सर, दिखा. प्रेजेंट करो आप अपने आप को. वीडियो तो दिखा रहा हूँ सर आपको. वीडियो दिखा रहे हो लेकिन वो वीडियो में आंसर क्या देख सकते हैं? मुझे बी सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है चलेगा, गुड. नाउ दिस नेक्स्ट गुड इज फॉर दिव्यांशु. देखो तीन गुड दिए, एक गुड है अक्षय के लिए, दूसरा गुड था तो इसका गुड थोड़ा चेंज हो गया करण का, तो ये फिर से करेक्ट स्पेलिंग किया है गुड. दिस इज फॉर करण एंड दिस इज फॉर दिव्यांशु, ठीक है. Anybody else want to present? तब तक आपका जो ये लिंक भेजा है मैंने अटेंडेंस का, वो भेज, वो कर लो आप लोग. कर लो अटेंडेंस हो जाए तो फिर बताओ, फिर we'll leave the meeting now. Actually करने वाले क्या है कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ, अगर मिल जाते मेरे को कंटेंट अच्छे तो फिर हम लोग पीपीटी पे भी ये ले सकते हैं यूनिट, नहीं मिलेंगे तो देखते हैं फिर क्या करना है. Have you filled the attendance? All of you? Yes, sir. ठीक है, let me check. 12 response. नहीं, ये तो पहले वाला है. ये सेंट्रल वाला ओपन हो गया क्या? मैं डर गया, मैं 35 कैसे आ गए बच्चे. सर नोट किया है रोल नंबर. हाँ तो रोल नंबर को फिर 0 डाल दो वहाँ पे. बढ़ दिया ना अटेंडेंस, 6 रिस्पांस आ गए, ठीक है चलेगा. ओके
फिनिश करता हूँ मैं, थैंक यू।